वेलकम टू आवर चैनल। तो फेस्टिवल के अकॉर्डिंग हॉल होने वाला है, बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन होने वाला है। देखते हैं कैसी क्वालिटी हमें रिसीव हुई है। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये ब्यूटीफुल सी साड़ी जो मैंने वियर कर रखी है, ये मुझे किस प्राइस रेंज में मिल गई थी, क्वालिटी कैसी है इसके मटेरियल की, सारी ही बातें मैंने आप सबके साथ वीडियो में शेयर कर रखी है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और हम देखते हैं हॉल वीडियो की सबसे पहली साड़ी। तो आप स्क्रीन पे इमेज भी देख रहे होंगे जिसको देख के मैंने वाली साड़ी परचेज करी है। बहुत ही प्यारे से डार्क ग्रीन कलर की साड़ी आपको स्क्रीन पे दिख रही थी। इन सब की अनबॉक्सिंग मैं आप सबके साथ यूट्यूब शॉर्ट में शेयर करती हूँ, तो प्लीज आप इनकी अनबॉक्सिंग वहां से चेकआउट कर सकते हैं। सारे ही वीडियोस जो हैं वो चैनल पे अपलोड हैं, आप एक बार चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा सुंदर सा मिल जाता है, बहुत ही प्यारा सा कपड़ा मिल जाता है आपको। आपको बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा सा मिलता है, आराम से आपकी एल्बो लेंथ और हाफ स्लीव बन जाएंगी। काम बहुत प्यारा किया गया है कपड़े पे, और जो भी काम किया गया है उसकी फिनिशिंग, थ्रेड की फिनिशिंग आपको मैं दिखा पा रही हूँ, बहुत सुंदर है। इस तरह के ब्लाउज पीस जब आप अपनी साड़ी के साथ पेयर करते हैं तो साड़ी में एक अलग सा ही ग्रेस आ जाता है, साड़ी की ब्यूटी जो है वो बढ़ जाती है। तो अब मैं आपको इसका आंचल वाला पोर्शन दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा सुंदर आंचल वाला पोर्शन मिलता है। काम देख सकते हैं आप, इतना ज्यादा प्यारा काम आपको मिल जाता है आंचल वाले पोर्शन पे। मतलब वर्क की फिनिशिंग आप एक बार पास से देख लीजिए, बहुत ही प्यारी सी वर्क की फिनिशिंग आपको पूरे आंचल वाले पोर्शन में मिलती है। जो भी काम किया गया है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, जरी का काम, और जो भी इसमें मिरर फॉयल वर्क लगा है वो भी बहुत प्यारा है। मतलब जब इस पे रोशनी पड़ेगी तो साड़ी बहुत सुंदर लगेगी, और क्योंकि डार्क ग्रीन कलर पे है तो काम जो है वो बहुत ज़्यादा खिल के आ रहा है। ये पूरा इसका आंचल वाला पोर्शन है, यहाँ से इसका टक इन वाला पोर्शन स्टार्ट होता है। तो काम जो है वो नीचे की तरफ जहाँ पे आप प्लेट्स बनाते हैं वहाँ पे पूरे में आपको ऐसा ही काम मिल जाता है। काम की फिनिशिंग आप एक बार पास से देख लीजिए कि बहुत ही बढ़िया काम की फिनिशिंग आपको मिलती है। साड़ी की लेंथ बहुत अच्छी है, अगर आपकी हाइट जो है वो 5'6" है तब भी साड़ी जो है वो छोटी पड़ने वाली आपको नहीं मिलती है। जो फैब्रिक है वो भी मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है, मतलब अगर आप इसको दिन भर वियर करते हैं तब भी आपको अनकंफर्टेबल रहने वाले फैब्रिक में साड़ी नहीं मिलती है। साड़ी का फैब्रिक क्वालिटी काम बहुत अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में आपको बहुत ही बढ़िया पीस मिल जाता है। ये इसका अंदर वाला पोर्शन है जो आप अंदर फोल्ड करते हैं, तो काम जो है वो पूरा आपको एंड तक मिल जाता है, बस अंदर जितना कपड़ा फोल्ड करते हैं वो आपको प्लेन मिलता है। और अब मैं आपको उसको चेक करके दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं पहनने के बाद साड़ी कैसी लगी है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको वाला पीस कैसा लगा है। तो आइए फिर नेक्स्ट साड़ी देख लेते हैं। बहुत ही प्यारे से कलर कॉम्बिनेशन में ये साड़ी थी, तो आपको मैं दिखा पा रही हूँ साड़ी जो है वो आपको बहुत अच्छे कपड़े के साथ मिलती है। काम जो है वो बहुत प्यारा है, सारा ग्रेस जो है वो उसका फ्लावरी पैटर्न की वजह से, मतलब पूरी साड़ी जो है वो फ्लोरल पैटर्न के साथ मिलती है। आजकल इस तरह के पैटर्न बहुत ज़्यादा इन हैं, फ्लोरल पैटर्न के सूट साड़ियाँ बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हैं। तो मैं आपको इसका आंचल वाला पोर्शन दिखा देती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो आंचल वाला पोर्शन है वो आपको कटआउट टाइप की लेस के साथ मिलता है। लेस की फिनिशिंग आप देख लो कितनी ज़्यादा प्यारी है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी ये साड़ी लगी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रीजनेबल अमाउंट पे आपको बहुत बढ़िया क्वालिटी मिल जाती है। अगर आप अपनी फ्रेशर पार्टी के लिए, फेयरवेल पार्टी के लिए भी कोई लाइट वेट सी फ्लोरल पैटर्न के साथ साड़ी ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। ये पूरा इसका आंचल वाला पोर्शन है जिसमें आपको पर लेस मिल जाती है, यहाँ से आपका टकिन वाला पोर्शन स्टार्ट होता है। और आप देख सकते हैं क्वालिटी और काम इतना अच्छा है, मतलब पूरी परफेक्टली आपकी बॉडी से फिट हो जाने वाले फैब्रिक में साड़ी आपको मिलने वाली है। लेंथ की बात करूँ तो अगर आपकी हाइट 5'6" है तब भी साड़ी आपको छोटी पड़ने वाली नहीं है। नीचे में पूरे में आपको साड़ी जो है वो इसी लेस के साथ मिलती है। फैब्रिक काम क्वालिटी बहुत अच्छा है साड़ी में, और लेस जो है वो पूरी आपको एंड तक मिलती है, बस
आपको जहां से आप इसको अंदर फोल्ड करेंगे वहां पर ही लेस नहीं दे रखी है, बाकी पूरी साड़ी में एंड तक नीचे लेस मिल जाती है। अब मैं आपको उसका ब्लाउज पीस दिखा रही हूँ। तो ब्लाउज पीस आपको मिलता है पिंक कलर में, प्लेन ब्लाउज पीस मिल जाता है। हाफ स्लीव्स या एल्बो लेंथ तक की स्लीव्स आराम से बन जाएंगी। सॉफ्ट फैब्रिक है जिसको आप वियर कर सकते हैं, ऐसा फैब्रिक आपको मिलता है। और स्लीव्स पे लगाने के लिए आपको मिल जाती है लेस, जिसको आप अपनी स्लीव्स पे या बैक पे अटैच करवा सकते हैं। लेस जो है वो आपको काफी ज्यादा दे रखी है, मतलब कंजूसी नहीं करी है लेस में। लेस की फिनिशिंग भी आप एक बार पास से देख लीजिए कि आपको बढ़िया क्वालिटी की लेस मिल जाती है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट साड़ी दिखा रही हूँ। तो आप अगर रेड कलर की साड़ी ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए डेफिनेटली यार पीस होने वाला है। स्क्रीन पे जब आप देखेंगे तो आपको बहुत ही प्यारी सी रेड कलर की साड़ी दिख रही थी। साड़ी हम पूरी ओपन करके देखते हैं। सबसे पहले इसका आंचल वाला पोर्शन देखते हैं। आंचल वाला पोर्शन आप देख सकते हो कितना ज्यादा सुंदर आपको मिलता है, मतलब जो पर्ल्स वगैरह हैं उनकी फिनिशिंग ऑसम है। व्हाइट कलर के पर्ल्स लगे हैं, गोल्डन कलर के पर्ल्स लगे हैं, बहुत ही प्यारी सी साड़ी है। तो अगर आप अपनी वेडिंग के लिए भी कोई प्यारी सी ब्रिक रेड कलर की साड़ी ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है। काम की फिनिशिंग में आपको दिखा पा रही हूँ कि कितनी ज्यादा सुंदर काम की फिनिशिंग आपको मिल जाती है। साड़ी का फैब्रिक भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, आपको बहुत ही अच्छा सा फैब्रिक मिल जाता है। ये इसका आंचल वाला पोर्शन है, यहाँ से टकिन वाला पोर्शन स्टार्ट होता है। तो पूरा काम आपको नीचे इसी टाइप का मिल जाता है। कटआउट वाला पैटर्न में आपको साड़ी का बॉर्डर मिलता है, काम बहुत प्यारा है। तो काफी ज्यादा रीजनेबल अमाउंट में आपको बढ़िया सा काम मिल जाता है। काम की फिनिशिंग आप एक बार पास से देख सकते हैं कि काम जो है वो आपको ऑसम क्वालिटी का मिलता है। लेंथ की बात करूँ तो लेंथ काफी अच्छी है साड़ी की, मतलब छोटी पड़ने वाली साड़ी आपको नहीं मिलती है। लेंथ, काम वगैरह सब कुछ अच्छा है साड़ी का, कलर भी काफी प्यारा सा है। तो अब मैं आपको इसका ब्लाउज पीस दिखा रही हूँ। और इस साड़ी में सबसे अच्छा क्या है कि जो अंदर फोल्ड करने वाला कपड़ा है और जो ब्लाउज पीस है दोनों एक साथ है, तो आप चाहें तो थोड़ा कपड़ा उसमें से लेके अपनी फुल स्लीव्स भी स्टिच करवा सकते हैं। ब्लाउज पीस जो है वो आपको 0.8 मीटर का मिलता है और आपको स्लीव्स पे लगाने के लिए काम दे रखा है, तो ये काम जो है उसको आप अपनी स्लीव्स पे लगवा सकते हैं। काम की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी है, साड़ी का कलर मुझे पर्सनली काफी पसंद आया है। तो अब मैं आपको उसको स्ट्राइक करके दिखा देती हूँ, तो आप देख सकते हैं पहनने के बाद साड़ी कैसी लग रही है। मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये वाला पीस कैसा लगा है। तो आइए मैं आपको नेक्स्ट साड़ी दिखा देती हूँ। तो जो नेक्स्ट साड़ी है ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है अगर आपके वर्क प्लेस के लिए। तो अगर आप ऑफिस गोइंग हैं और प्यारी सी सुंदर सी इक्कत प्रिंट की साड़ी ढूंढ रहे हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहने वाली है। कलर आप देख सकते हैं कितना ज्यादा प्यारा सा कलर है, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि इतना ज्यादा सुंदर सा कलर आपको रिसीव हो जाएगा। अब मैं आपको इसका ब्लाउज पीस दिखा रही हूँ। तो ब्लाउज पीस पे आपको बहुत प्यारा सा प्रिंटेड पैटर्न मिल जाता है। दो बॉर्डर मिलते हैं, एक बड़ा बॉर्डर मिल जाता है, दूसरा छोटा बॉर्डर मिल जाता है। बड़े बॉर्डर को अगर अपनी स्लीव पे लगवाते हैं तो साड़ी बहुत सुंदर लगने वाली है। अब पूरी साड़ी देख लेते हैं। तो ये इसका आंचल वाला पोर्शन है, आंचल वाला पोर्शन जो है वो पूरा ही आपको प्रिंटेड पैटर्न के साथ मिलता है। और मैं आपको दिखा पा रही हूँ इसका जो बॉर्डर है उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। नीचे वाला बॉर्डर है उसका ग्रेस जो है वो चौड़े होने की वजह से बहुत बढ़ गया है, काम जो है वो अच्छा दे रखा है साड़ी पे। साड़ी पे ओवरऑल आपको प्रिंटेड पैटर्न मिलते हैं, बस ऊपर नीचे आपको बॉर्डर मिल जाते हैं। ऊपर छोटा बॉर्डर मिलता है और नीचे की तरफ आपको चौड़ा वाला बॉर्डर मिल जाता है। साड़ी का फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है, अपने वर्क प्लेस के लिए आप इस तरह की सटल सी साड़ी ढूंढ रहे हैं तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। लंबी चौड़ी सी साड़ी आपको मिल जाती है,
छोटी पड़ने वाले फैब्रिक में साड़ी आपको नहीं मिलती है, मतलब काफी लंबी चौड़ी साड़ी है। तो अगर आपकी हाइट 5'6" भी है तो आपको साड़ी छोटी पड़ने वाली नहीं है। और साड़ी का काम और फैब्रिक बहुत अच्छा है, मुझे पर्सनली इस साड़ी का फैब्रिक काफी ज्यादा पसंद आया है। दिन भर पहनने के लिए साड़ी ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए अच्छा ऑप्शन होने वाला है। आइए मैं आपको नेक्स्ट साड़ी दिखा देती हूँ। तो बहुत ही सुंदर से येलो और रेड कलर के कॉम्बिनेशन में साड़ी आपको मिलने वाली है। पूरी साड़ी ओपन करके देखेंगे, कपड़ा बहुत ज़्यादा शाइनी है, बहुत ही प्यारा सा कलर कॉम्बिनेशन आपको पूरी साड़ी पे मिलने वाला है। येलो कलर है, बहुत ही प्यारा सा खिलता हुआ सा कलर है, और वो शाइनी वाला कपड़ा आपको मिल जाता है। ये इसका आंचल वाला पोर्शन है, तो आप देख रहे होंगे लेस की फिनिशिंग कितनी ज़्यादा औसम आपको मिल जाती है। और साड़ी जो है वो आपको मिलती है बॉर्डर के साथ, तो आप देख रहे होंगे नीचे की तरफ आपको मिल जाता है बॉर्डर का पैटर्न भी, बिल्कुल वो गोल्डन कलर का येलो कलर पे वर्क है, लेकिन जब शाइन पड़ेगी यानी कि लाइट पड़ेगी तो बहुत ही प्यारी सी शाइन आ जाती है। आपको मैं दिखा पा रही हूँ जो भी काम किया गया है वो बहुत प्यारा है। तो फैब्रिक की क्वालिटी भी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, आप देख पा रहे होंगे साड़ी जो है बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। अगर आप किसी की हल्दी फंक्शन के लिए प्यारी सी मस्टर्ड येलो और रेड कलर के कॉम्बिनेशन की साड़ी ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन रहने वाली है। आपको मैं दिखा पा रही हूँ इसका जो काम है वो कितना ज़्यादा प्यारा है, आप देख सकते हैं ये पूरा इसके आंचल वाला पोर्शन है, यहाँ से इसका टकिन वाला पोर्शन स्टार्ट होता है, ऊपर की तरफ आपको गोल्डन जरी बॉर्डर का छोटा काम दे रखा है, और वहीं नीचे की तरफ आपको चौड़ा वाला बॉर्डर दे रखा है जो कि आप देख पा रहे होंगे। तो फैब्रिक जो है वो परफेक्टली आपकी बॉडी से फिट हो जाने वाले कपड़े में मिलता है। काम जो है वो नीचे भी आपको मिल जाता है, प्लेट वाले पोर्शन में काम मिलेगा आपको, और जो पाइपिंग दे रखी है वो आप देख सकते हैं वो पूरे ही साड़ी में नीचे की तरफ आपको मिल जाती है। अब मैं आपको दिखा पा रही हूँ कि साड़ी में जो पाइपिंग का वर्क है वो पूरा एंड तक आपको मिलता है, बिल्कुल एंड तक दे रखा है, बस इतना ही कपड़ा आपको दे रखा है जो कि अंदर फोल्ड हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा इसका ब्लाउज पीस मिल जाता है, यानी कि बंदेज पैटर्न के साथ आपको ब्लाउज पीस मिल जाता है, रेड कलर का बंदेज पैटर्न का ब्लाउज मिल जाता है आपको, और इसमें आपके आराम से हाफ स्लीव्स बन जाएंगी। जब आप इसके साथ अपनी साड़ी को पेयर करेंगे तो साड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाली है। पर्सनली मुझे इसका काम फैब्रिक बहुत अच्छा लगा है, सबसे ज़्यादा जो प्यारा है वो इसका आंचल वाला पोर्शन है जो कि मैं आपको दिखा पा रही हूँ, कितना ज़्यादा सुंदर सा आंचल वाले पोर्शन पे आपको काम मिल जाता है। काम की फिनिशिंग बहुत अच्छी है, जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो काम जो है वो पूरा चमचम होने लगता है, बहुत प्यारा लगेगा। अगर आप किसी की पार्टी में इस साड़ी को पेयर करेंगे तो कपड़ा बिल्कुल वो शाइनी वाला है, बहुत ही रिच लुक देने वाला कपड़ा आपको मिल जाता है। तो आइए फिर नेक्स्ट पीस देख लेते हैं। पूरे हॉल वीडियो में अगर एक भी बांधनी पैटर्न की साड़ी ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, स्क्रीन पे आप इमेज भी देख रहे होंगे जिसको देख के मैंने वाली साड़ी परचेज करी है। बहुत ही प्यारा सा बांधनी बंदेज का पैटर्न आपको मिल जाता है, काम आप देख लो कितना ज्यादा सुंदर है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका आंचल वाला पोर्शन दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा सुंदर सा आंचल वाला पोर्शन आपको मिलता है। फैब्रिक जो है वो सॉफ्ट मिल जाता है, पूरी साड़ी जो है वो आपको ओवरऑल सेम बंदेज वाले पैटर्न में मिलती है। तो इस तरह की साड़ियाँ बड़ी प्यारी लगती हैं जब आप इसको तीज त्योहारों पर एक्सेसराइज करते हैं। साड़ी का फैब्रिक काम बहुत अच्छा है, आप एक बार देख सकते हैं जितना भी जरी का काम किया गया है वो बहुत अच्छा है। बॉर्डर की फिनिशिंग भी आपको अच्छी क्वालिटी की मिलती है, लेंथ जो है वो साड़ी की आपको अच्छी मिल जाती है, छोटी पड़ने वाली साड़ी आपको नहीं मिलती है, और साड़ी जो है वो आपको ओवरऑल सेम रनिंग ब्लाउज के साथ मिल जाती है। एक बार टेलर से बात कर लीजिएगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि साड़ी छोटी पड़ रही है तो आप इसको मरून कलर या गोल्डन कलर के ब्लाउज के साथ भी पेयर कर सकते हैं, साड़ी जो है वो आपको अच्छी खासी लेंथ की मिलती है। और अब मैं आपको इसका काम पीछे से दिखा देती हूँ क्योंकि आगे है जरी का काम, तो पीछे से थ्रेड है बहुत सारे, तो आपको साड़ी को थोड़ा सा केयरफुल पहनना है। इस तरह का काम आपको पीछे से मिल जाता है क्योंकि अगर एक भी थ्रेड निकला तो पूरी साड़ी खराब हो जाती है। साड़ी का फैब्रिक पर्सनली मुझे बहुत बहुत पसंद आया है, अब मैं आपको उसको सेल करके दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं साड़ी पहनने के बाद कैसी लग रही है। मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये वाला पीस कैसा लगा है। इस साड़ी में बहुत सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल थे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं।
तो ये थी वो कुछ अफोर्डेबल रेंज की साड़ियाँ। आपको ये हॉल वीडियो कैसा लगा है आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, नए हैं इस चैनल पे, नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।